जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास बिल्कुल कुछ ना था, वो इंतहाई मायूस और गुर्बत की सूरत हाल में थे। वो सहरा में फिरौन से बच के कहीं भटके हुए थे। वो भूखे थे, नींद से मरहूम, बेघर और बहुत कमज़ोर थे। फिर भी इन्होंने बारह रास्त को नहीं मांगा और इन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिल फकीर, ऐ परवरदिगार जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ, और अल्लाह से किसी अच्छी चीज़ के लिए कहा जो कि अल्लाह ने उन्हें भेजी। उन्होंने अल्लाह से सिर्फ पूछा और इस बात का एतराफ़ किया कि वो बेबस हैं और उन्हें अल्लाह की मदद की इंतहाई ज़रूरत है, और इस मुखलिस दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और अल्लाह ने सिर्फ इन्हें सिर्फ रिज़्क ही नहीं और बल्कि एक बीवी से भी नवाजा। ये एक बहुत ताकतवर और आजमदा दुआ है। कई बार हम नहीं जानते कि हमें ज़िंदगी में एक ख़ास मरले में किस चीज़ की ज़रूरत है, और हम ये भी नहीं समझते कि हमें अल्लाह से क्या पूछना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। ये दुआ इस उलझन का एक खूबसूरत जवाब है। अल्लाह अपनी ज़िंदगी में जिस नेकी की ज़रूरत है इसे ले आ, इसे पूछें, इसे इस पर दोबारा अमल करें और देखो वो कैसे जानता है, वो अल्लाह कैसे जानता है कि आपको अपने लिए इससे ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। और जब आप अपनी बेबसी और इस पर इंहिसार करते हैं तो देखें कि वो आपकी तवक्कात से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको नवाजता है और अता करता है।